और सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे और ये एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ और सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष के पास है। हमारे पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख बुरी तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं और सवाल पूरी एनसीपी पर भी खड़ा होता है। दरअसल देशमुख के क्वारंटीन पर पवार का दावा जो है वो गलत निकला है। ये डॉक्यूमेंट आप देखिए, 15 फरवरी के बाद क्वारंटीन में देशमुख नहीं थे। पवार ने ये कहा था कि देशमुख क्वारंटीन थे, 15 फरवरी को नागपुर से मुंबई गए थे देशमुख। ये क्लेम किया गया था कि वो होम क्वारंटीन थे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, लेकिन जो दस्तावेज अब सामने आए हैं उससे ये पता चलता है कि 15 फरवरी के बाद निकल गए थे मुंबई से बाहर अनिल देशमुख, और ये उन दावों की पोल खोलता है जिसे शरद पवार ने सबके सामने रखा था। ये डॉक्यूमेंट साबित करते हैं कि शरद पवार की एक एक दलील गलत साबित हो रही है। ये देखिए, डेट ऑफ फ्लाइट 15 फेब 2021, ये डॉक्यूमेंट में बोल्ड करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये बताता है कि देशमुख 15 फरवरी को मुंबई से निकल पड़े थे, और ये तमाम डॉक्यूमेंट शरद पवार के दावे को धता साबित करते हैं। तो देखिए किस तरीके से पवार के दावे तार तार हो रहे हैं, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही बड़ी खबर के साथ साथ बिग वॉल पे ये डॉक्यूमेंट आपके सामने इस वक्त मैं रख रही हूं। अब ये देखिए, ये बाकायदा ट्रैवलिंग डेट जो सामने आ रही है 15 फरवरी 2021 की सामने आ रही है। ये सीधे सीधे जो शरद पवार की तरफ से दावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया था, होम क्वारंटीन थे देशमुख, ये दावा किया गया था। ये बताता है कि 15 फरवरी 2021 डेट ऑफ फ्लाइट, यानी कि ट्रैवल वो कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर, 15 फरवरी के बाद क्वारंटीन नहीं थे देशमुख, ये साफ क्लियर होता है। अब इसके बाद एनसीपी सवालों में घिरती हुई नजर आ रही है, सवालों में घिरते हुए शरद पवार नजर आ रहे हैं साफ तौर पर, जो उनकी तरफ से बात की गई थी। लेकिन अब देखना होगा कि अपने ही दावे के गलत साबित होने के बाद अब इस पर क्या दलील देते हैं शरद पवार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।